बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस अहम खबर के साथ। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में पाकिस्तानी तुलबा के हॉस्टल्स पर मकामी अफराद के हमले, तोड़फोड़ और तशद्दुद, कमरों की खिड़कियां और दरवाजे तोड़ दिए गए, तालिबात को हिरासत भी करने लगे। पाकिस्तानी तालिबे इल्मों ने बताया कि मकामी और मिस्री तुलबा का झगड़ा हुआ। रद्द अमल में किर्गिस्तान के तुलबा ने उनके हॉस्टल पर हमला किया, जिससे मुतअद्दिद पाकिस्तानी तालिबे इल्म जख्मी हुए। मकामी अफराद पुलिस और फौज की मौजूदगी में पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी तुलबा पर हमले किए गए। हमलों से परेशान पाकिस्तानी तुलबा ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस से तहफ्फुज फराहम करने की अपील की है। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में पाकिस्तानी तुलबा के हॉस्टल्स पर मकामी अफराद के हमले, तोड़फोड़ और तशद्दुद, कमरों की खिड़कियां और दरवाजे तोड़ दिए, तालिबात को हिरासत भी करने लगे। पाकिस्तानी तालिबे इल्मों ने बताया कि मकामी और मिस्री तुलबा का झगड़ा हुआ। रद्द अमल में किर्गिस्तान के तुलबा ने उनके हॉस्टल पर हमला किया, जिससे मुतअद्दिद पाकिस्तानी तालिबे इल्म जख्मी हो गए। मकामी अफराद पुलिस और फौज की मौजूदगी में पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी तुलबा पर हमले किए गए। हमलों से परेशान पाकिस्तानी तुलबा ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस से तहफ फराहम करने की अपील भी की है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने किर्गिस्तान में पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के तुलबा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। बिश्केक में पाकिस्तानी सफीर को पाकिस्तानी तुलबा की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत की है। पाकिस्तानी सफीर हसन जैगम ने कहा कि किर्गिस्तान के सिक्योरिटी इदारों से राबते में है, तुलबा से हालात की बेहतरी तक घरों और महफूज मकाम पर रहने की अपील की जाती है। वजीर खारिजा सेनेटर इसहाक डार ने कहा कि तुलबा पर हमलों की इतलात इंतहाई तशवीशनाक है। पाकिस्तानी तुलबा के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए किर्गिस काम से राबता कायम किया है। तर्जमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि पाकिस्तानी सफारत खाना किर्गिज हुकाम से राबते में है। पाकिस्तानियों की हिफाजत इंतहाई अहमियत की हामिल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफीर हसन अली जैगम से टेलीफोनिक राबता हुआ है। वजीर आजम के किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तुलबा को हर किस्म की मदद फराहम करने की हिदायत। वजीर आजम की पाकिस्तानी सफीर को खुद हॉस्टल्स का दौरा करके तुलबा से मुलाकात की भी हिदायत। यासिर मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। यासिर, बताइएगा क्या हिदायत जारी की गई है? देखिए, वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने किर्गिस्तान में पाकिस्तान के जो सफीर है अली हसन अली जैगम से टेलीफोनिक राबता किया है और वजीर आजम ने किर्गिस्तान में हालिया जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तानी तुलबा को हर किस्म की जो मदद है और मुआवनत फराहम करने की हदायत की है। वजीर आजम ने पाकिस्तानी सफीर को हदायत जारी की है कि वो खुद हॉस्टल्स का दौरा करेंगे और इसके साथ साथ वो तुलबा से मुलाकात भी करेंगे। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तानी सफीर को वजीर आजम ने सूरत हाल से वजीर आजम को सूरत हाल से पाकिस्तानी सफीर ने आगाह भी किया और उन्होंने ये बताया कि कोई पाकिस्तानी जो है वो इस वाक्य में जांबहक नहीं हुआ और ना ही सफारतखाना जख्मी तुलबा की जो जख्मी हुए हैं उनकी मुआवनत भी कर रहा है। तुलबा के वालदेन के साथ मुसलसल राबते में रहे और उनको बर वक्त जो मालूमात है उनके बच्चों के हवाले से वो फराहम करते रहे। वजीर आजम की जानिब से जो सफीर है उनको ये ताकीद की गई है। वजीर आजम की सफारत खाने को जख्मी तुलबा को हर किस्म की तिबी सहूलियात फराम करने की भी हदायत की गई है और वजीर आजम ने अच्छा, यासिर साथी क्विकली एक बार फिर से ये बता दें कि ये तसव्वुर था कि 2 से 3 जो तालिबे इल्म हैं वो जांबहक हुए हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वजीर आजम ने चूंकि खुद टेलीफोनिक राबता किया है जो पाकिस्तान के सफीर हैं हसन अली जैगम उनसे और उनकी जानिब से ये बताया गया है, जो किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफीर हैं हसन अली जैगम उन्होंने बताया है कि किसी किस्म की भी कोई पाकिस्तानी के जांबहक होने की इतला नहीं है और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो जख्मी तुलबा है अगर कोई जख्मी है तो उनकी मुआवनत की जाए और ये भी बताया गया है कि पाकिस्तानी सफारतखाना जो है अगर कोई जख्मी तुलबा है तो उनकी मुआवनत कर भी रहा है और ये मदद की जा रही है। यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। नवाज शरीफ को आज मुस्लिम लीग नून का कायम काम सदर नामजद किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास आज दोपहर 2 बजे पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होगा। सीनियर पार्टी अराकीन नवाज शरीफ को पार्टी का कायम काम सदर बनाने की करारदाद पेश करेंगी। 28 मई को मुस्लिम लीग नून का जनरल काउंसिल इजलास होगा और पार्टी सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन शेड्यूल जारी होगा। तो नवाज शरीफ को आज मुस्लिम लीग नून का कायम काम सदर नामजद किया जाएगा। हसन रजा, ब्यूरो चीफ लाहौर, हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास आज 2 बजे होने जा रहा है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कायद मकाम सदर मुस्लिम लीग नून नामजद किया जाएगा। इजलास में पार्टी के सीनियर अराकीन बतौर तजवीज और कायद कुनिंदा जो है वो नवाज शरीफ को
पार्टी का कायम मुकाम सदर बनाने की करारदाद पेश करेंगे। इससे पहले पंजाब की जो मुस्लिम लीग नून की कमेटी है जिसकी सरबराही राणा सनाउल्ला ने की थी, उसने भी करारदाद पेश की जा चुकी है और फिर जनरल काउंसिल के आइंदा इजलास में नए पार्टी के सदर के इंतखाब के लिए जो कि 28 मई को होने जा रहा है उसमें इलेक्शन कमीशन के अराकीन की नामजदगी की जाएगी और इलेक्शन शेड्यूल भी जारी किया जाएगा और उस इजलास में बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को मुस्तकिल जो है वो सदर पर मुंतखब किया जाएगा। इससे कबल शहबाज शरीफ जो कि वजीर आजम है मुस्लिम लीग नून पार्टी के सदर थे, वो अपनी जो है वो जब करारदाद मंजूर की गई पंजाब की जारी से उसके बाद मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा दे दिया था। हसन बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर-ए-सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म्स से मुतालिक इजलास हुआ। पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम्स इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की डिजिटलाइजेशन के लिए ज़रूरी इकदाम करने की हिदायत। वज़ीर आला का लैंड डिजिटलाइजेशन के अमल में मुतालिक महकमों के इश्तराक कार को यकीनी बनाने का हुक्म। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र सर्विस का जायजा लिया गया है और वर्ल्ड बैंक के तआवुन से प्लस प्रोजेक्ट के तहत लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन की जा रही है, ये ब्रीफ किया गया है उन्हें। रावलपिंडी का रुख करते हैं। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जलाओ घेराव कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने उबूरी जमानत में 28 मई तक तौसी कर दी है। वजीर आला के पी अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मंजूर हो चुकी है। हुकूमती उमूर में मसरूफियत के बायस हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त की गई। वजीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना नसीराबाद में मुकदमा दर्ज है। इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स बंद करने के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया गया है। एफबीआर, पीटीए और टेलीकॉम कंपनीज के नुमाइंदगान इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर पर अमल दरामद की निगरानी करेंगे। नॉन फाइलर्स की सिम ब्लॉक करने के लिए 18 रुकनी वर्किंग ग्रुप कायम। जॉइंट वर्किंग ग्रुप में तमाम मुतलका इदारों और कंपनियों के माहिरीन शामिल। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 114B के तहत नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी। जॉइंट वर्किंग ग्रुप में एफपीआर के 5, पीटीए के 2, यूफोन के 4, टेलीनॉर के 3 और जैज के 4 माहिरीन शामिल है। एफपीआर के मेंबर आईआर बादशाह खान वजीर और अरशद चीमा वर्किंग ग्रुप में शामिल है। पीटीए के डायरेक्टर इन्फोर्समेंट काशिफ गजनपुर और असिस्टेंट डायरेक्टर सुहेल महमूद भी वर्किंग ग्रुप का हिस्सा हैं। वर्किंग ग्रुप में रेगुलेशन, लिटिगेशन और टैक्स एडवोकेसी के माहिरीन शामिल किए गए हैं। नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स बंद करने के लिए इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जारी किया गया था। 5,06,000 सिम्स ब्लॉक करने का डेटा एफपीआर ने पीटीए के हवाले किया। इन अफराद के नाम वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं। एफपीआर की जानिब से आईएमएफ को टैक्स नेट वसी करने की यकीन दहानी कराई गई थी जिसके बायस नॉन एक्टिव टैक्स पेयर्स के खिलाफ इकदाम किए जा रहे हैं। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की किल्लत है। यूटिलिटी स्टोर पर आए शहरी खाली हाथ वापस लौटने लगे हैं। शहरी मार्केट से महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद बता रहे हैं जान शेर खान। जी, आम मार्केट में महंगाई की वजह से बेशतर जो लोग हैं वो यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं क्योंकि यहाँ पर मेन जो चीज़ें हैं जिन पर बहुत ज़्यादा रिलीफ है वो आटा, चीनी और घी है। तो यूटिलिटी स्टोर पर तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं यहाँ पर चीनी जो है वो दस्तयाब नहीं है, चीनी का स्टॉक ख़त्म है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शहरी जो है वो परेशान है। 109 रुपये किलो यूटिलिटी स्टोर पर चीनी है जबकि बाहर ओपन मार्केट में 140 से 150 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है। मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं। 3 दिन हो गए चीनी लेने के लिए आया हूँ, चीनी नहीं मिल रही। सिर्फ इसलिए आते हैं कि यहाँ सस्ती चीनी है, 109-110 रुपये किलो चीनी है, बाहर 150 रुपये के लगभग चीनी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आटा जो है वो मौजूद है 649 रुपये 10 किलो का जो थैला है, घी यहाँ पर पड़ा हुआ है लेकिन चीनी जो है जो मेन चीज़ है जो अशे खुर्दनोश में से वो यहाँ पर दस्तयाब नहीं है जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो दर्जनों की तादाद में रोज़ाना यहाँ पर आते हैं और वापस चले जाते हैं। सिर्फ इस यूटिलिटी स्टोर में नहीं है, शहर के जितने भी यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर चीनी जो है वो दस्तयाब नहीं जिसकी वजह से मजबूरन जो शहरी हैं उन्हें ओपन मार्केट से महंगे दामों चीनी जो है वो खरीदनी पड़ रही है। जी, खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की तबील और गैर ऐलानिया लोड शेडिंग कम ना हो सकी। वज़ीर आला के अहकाम पर भी अमल दरामद ना होने के बराबर है। देहाती इलाकों में अब भी 18 से 20 जबकि शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मजीद बता रहे हैं जाकिरुल्ला।
जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ यहाँ पे बिजली लोड शेडिंग में भी इजाफा कर दिया गया है। तवील दौरानिए का लोड शेडिंग खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में किया जा रहा है। इस वक्त पेशावर में अगर देखा जाए तो पेशावर के शहरी इलाकों में तकरीबन 10 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि देहाती इलाकों में 18 से 20 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। बार बार वज़ीर आला की जानिब से ये कहा जा रहा है कि लोड शेडिंग के दौरानिए में कमी लाई जाए, लेकिन उसके बावजूद भी लोड शेडिंग के दौरानिए में कमी नहीं लाई गई। इस वक्त हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि लोड शेडिंग के बायस उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर आला ने पैगाम जारी किया था कि जहाँ पे मतलब आपको 20 घंटे की लोड शेडिंग हो तो उसमें से कम 4 घंटे रिलीफ मिलेगी, लेकिन अभी तक वज़ीर आला के अहकाम जो है वो बस ना होने के बराबर है। जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरियों का भी यही कहना है कि वज़ीर आला ने तो अहकाम जारी कर दिए हैं, शहरी इंतहाई परेशान है, जो कारोबारी तबका है वो भी परेशान है, जो देहाती इलाके हैं वहाँ पे जो घरेलू सार्फीन है तो वो भी इंतहाई परेशान है, क्योंकि रात को भी अक्सर बिजली नहीं होती, मस्जिद में पानी का मसला बन जाता है, घरों में पानी का मसला बन जाता है, तो यहाँ पर शहरियों को इंतहाई मुश्किल का सामना है। जी, बिजली की तकसीम कार कंपनीज का बोसीदा निज़ाम, नॉर्थ डिस्कोस कोटे से कम बिजली लेने पर मजबूर हैं। नॉर्थ डिस्कोस 1400 मेगावाट से ज़ायद बिजली ज़ाय कर रही हैं। ज़राए के मुताबिक नॉर्थ डिस्कोस को 16000 मेगावाट से ज़ायद बिजली फराहम की जाती है। ज़ीशान यूसुफ जई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, क्या सूरत हाल है? देखिए आमिर, ये डिस्कोस का बोसीदा निज़ाम है जो बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ हैं, और पाकिस्तान में इस वक्त 10 तकसीम कार कंपनियाँ हैं जिसमें सिर्फ एक जो तकसीम कार कंपनी है इसको वो कुछ बेहतर परफॉर्म कर रही है, बाकी सब के यही हालात हैं। और जो कोटे से जो बिजली उनको मुख्तस की जाती है तो उससे भी कम बिजली ली जाती है, जिसके नुकसान, जिससे कि सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आजकल गर्मी की जो सूरत हाल है, एक तो वैसे भी हम जो शॉर्टफॉल है उन्हें मीट नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी जानब जो बिजली पैदा कर रहे हैं तो वो भी ज़ाया होती है, और उसका जो इम्पेक्ट है वो भी सारिफिन से फिर किसी ने किसी दरख्वास्त की मद में लिया जाता है। और ये तमाम तर जो सूरत हाल है इसका एक तो पैसों के उसमें भी बोझ आता है, दूसरी सूरत हाल ये है कि मुल्क भर में इस वक्त गैर ऐलानिय लोड शेडिंग जारी है और जो शॉर्टफॉल है वो भी बढ़ रहा है। तमाम सूरत हाल यही है कि डिस्कोस के मुतालिक अब सोचा जा रहा है कि इसको लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के तहत दिया जाए या इसको प्राइवेटाइज किया जाए। IMF ने भी यही तजावीज़ दी है कि जो सर्कुलर डेट है, जो गर्दिशी कर्जा है पावर का, वो तब ख़त्म होगा जब आप इसको या लॉन्ग मैनेजमेंट के तहत देंगे या इसको प्राइवेटाइज करेंगे। इसका हल ही यही है, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका।